एक दिन मर जाए। 8-9 जा सकते हैं आपको कुछ जैसे ही कुछ देखा मार चुका भाई। इससे जुड़ना कैसे यार, जर्मनी यहाँ का जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज लगा है ना वो है दोस्ती। और यहाँ आने के बाद जो चीज सबसे ज्यादा कनेक्ट करती है ना वो साथ में बिताया हुआ टाइम और अपनापन, बस ये दो चीजें ही बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हैं। और ये कहानी भी एक क्रेजी एडवेंचरस नाइट की है जिसका हमें कोई प्लान नहीं था, हमने कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन प्लान बन गया कि जंगल घूमना है, यूनिवर्सिटी जाना है, बकचोदी करनी है रात में। तो बस चलिए कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जाने वाले हैं जंगल में। रात के 12 बज चुके हैं और पता नहीं हम क्यों जा रहे हैं, सर्दी भी लग रही है। थोड़ा खाना खा के और टहलेंगे, बस खाना खा लिया टहलने जा रहे हैं। तो चलो टहलते हैं, देखते हैं और एक्सपीरियंस दिखाते हैं। पार्टी तैयार होकर हो चुका है, यह जय और ये है बहन का लोहा, अभी तक चल रही है। क्या कर रहे हैं हाथी है? और इसका रूम देखो भाई, देख रहे हो अभी ये जंगल जाएगा। जंगल में हाथी की कमी थी जिसके वजह से पूरा होगा। दिक्कत नहीं है ना, किसको कह रहे हैं। और ये वैसे भी था से लोग और लोग जा रहे हैं नीचे भाई, क्योंकि उधर नीचे अभी एक जिम है। ये हमारी बुक की लिफ्ट भाई, जो कि पता नहीं क्या है, हमें तो यूज हमने हम यूज नहीं करते। और देखना कैसे खुलेगा, ये ऐसे खुलेगा और इसको ऐसे द्रुक है। और ये चूतिया है, इसको इसका 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 भाषा, इसका नाम एक और भी है जो गुप्त भाषा है, एल से स्टार्ट होता है। ये रात के 1 बजे का टाइम है और यहाँ सब सो रहे हैं और यहाँ बिल्कुल हल्ला गुल्ला करना बिल्कुल मना है, पर हमें तो भाई साहब जंगल घूमना है, यूनिवर्सिटी जाना है, नौटंकी करना है। और इस टाइम सब सो रहे हैं पर हम अब चलेंगे वॉक के लिए। ये देखो ये पूरी सुनसान गली जो कि शांत और पीसफुल रहती है। और ये है आकाश, ये है जयंश और ये है श्रीजीत, ये और ये है बड़वा। इसका नाम ही बड़वा है। ये हमें मेरे है बिल्कुल, हमें कभी भी खड़ा हो जाता है। अभी देखो जंगल आवाज़ स्टार्ट भी नहीं हुआ है और यहीं से वो कीड़े मकोड़े की आवाज़ आने लगी। और हमारे ग्रुप में लोग भी सब वैसे ही हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होती है वाइब यार। और हमारे दोस्तों की सबकी वाइब एकदम मैच होती है। तो क्या है ना कि अब जब जंगल में आ जाते हैं तो सबकी फटी भी रहती है, लेकिन एडवेंचरस भी करना है तो हमें कुछ पता नहीं होता है कि हमारा कल हेडलाइन बनेगा कि हम घर वापस आएंगे। तो बस इस सस्पेंस और मजे के साथ ही हम लोग बस यहाँ से स्टार्ट हो गई हमारी चढ़ाई, चढ़ने की बारी। कैसा लग रहा है वे? फटी पड़ी है कि नहीं? मेरी कहाँ भाई, तुम्हारी फटी पड़ी है वे? तेरी तो ऑलरेडी फटी हुई है। चलो फटी पड़ी तुम लोग की भाई, जंगल जा रहे हैं भाई हम लोग, थोड़ा डरो भाई, थोड़ा ऐसे फील लाओ। डर रहे हो वे? तुमको तो डरने की जरूरत, तुम तो जादू बन भी गए हो। अबे चूतिया का सर बता रहा है, फायदा भी नहीं हुआ था। अबे भाफड़ी गए, अभी हाउट बना पे बम मिला था तुम्हें पता है? अबे तो ठीक है तो भाई, बम मार के सब इधर ही गाड़ा हुआ है लोगों को। कुछ भी, अबे भाई पहाड़ के ऊपर लेके जाएंगे तुझे। आकाश ये लोग को बता भाई, पहाड़ जितने जितने नहीं, ये मार मार के इतना गाड़ा हुआ है ना कि पहाड़ बन गया है। तू एक मुर्दा खोद के निकाल, मैं तो हजार। अबे भाई विश्वास ही नहीं कर रहा पता है सर, जब उसने चालू किया था सब मारना लोगों को, तो उधर से मारते मारते फ्रांस आया था। और ये पता है सारलैंड पहले फ्रांस में था, तो यहाँ यहाँ भी लोगों को बहुत मारा गया है। इधर ये सब सब मुर्दों पे, पूरा डुडवाइलर मुर्दों पे ही बसा है। अरे वो हिस्ट्री पर पढ़ पढ़ भाई, पूरा तेरे को मैप पता चलेगा। लग्जमबर्ग आधे घंटे में पूरा ये करने लग गया। और भाई मैंने थोड़ा सा सुना दिया गांड फाड़ने के लिए लोग की, और अब चलते हैं। मैंने बता दी उधर भूत भूत रहता है, मतलब ऐसा कि गाड़े हुए हैं मुर्दे मुर्दे हिटलर के मार, देखते हैं क्या करता है लोग, क्योंकि भाई थोड़ा माहौल रहना चाहिए ना। हमें पता है कि हमें तो कुछ होना ही नहीं है। और ज़हरब्रुकन का बेस्ट पार्टी है ना कि यहाँ बहुत सारा जंगल है, और जब तुम रात को जाते हो ना हर टाइम कुछ अच्छा ऑफर करता है ये जंगल। जैसे कि इस बार जब तुम जंगल में हम लोग गए हैं तो वहाँ हमें साइलेंस और हमारी बकवास दोनों परफेक्ट कॉम्बो बना रही थी। और भाई साहब क्या मजेदार सीन था ये देखो, जंगल ऐसे अब आगे हमारा जंगल क्यों नहीं गरज था। अब ये स्टार्ट हुआ भाई, ये तो कुछ नहीं भाई, तो कॉलर अब यहाँ तो दिख रहा है, और अभी हमें कुछ आगे दिखने रहा है और बस अंधेरा। क्या ये बहन का लौड़ा? और दोस्तों हम आ गए हैं, पता नहीं क्या यहाँ कौन सा जानवर हमारा इंतजार कर रहा है, कौन भूत हमारा इंतजार कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता। इसके से भूत हो सकते हैं ऐसे, मत कर मुझे दिख नहीं रहा। और भाई पूरा चारों तरफ जंगल, जंगल रात को बहुत अलग होता है और दिन में बहुत अलग होता है। रात में हर एक छोटी चीज से गांड फट जाती है, मतलब अगर पत्ता भी अगर गिर गया ना तो भाई कि वहां तो भूत ही आ गया, अब तो कोई और ही है,
वो कुछ और ही हो रहा है। तो रात का चीज मतलब मजेदार होता है रात, और हमें कुछ नहीं पता था। हम जितना आगे जा रहे थे हमें लग रहा था कि भाई अब तो बढ़िया ही लग रहा है, ये भी है वो भी है, सब कुछ नया लग रहा था। कुछ दिख नहीं रहा था भले ही, लेकिन नया लग रहा था। तो हमें कुछ नहीं पता था कि हम वापस घर आने वाले हैं कि हमारा हेडलाइन बनने वाला है अगले दिन। ये क्या था, ये क्या था, हट मारो कर रहे ओ भाई, जो देख देख क्या हुआ अभी, अभी उतर रहा था, अभी भूत आ रहा था भाई, जयंस की लुप लुप हो गई। अरे मेरा कुछ नहीं हुआ। बहन चो गांड पड़ जाएगी भाई। कोई कहीं दूसरे जगह कोई बंदा खड़ा हो, ऐसे मान ले इंडियन आ रहा हो। हाँ भाई फट तो जाएगी। नहीं हम लोग पांच लोग हैं भाई, नहीं फटेगी। अरे फट भाई मेरी फट जाएगी। अभी ये तो चूतिया बहन चो, तो कुछ को तो कुछ ही फट जाता है। उस दिन गए वहाँ पे वो, तू लोग दोनों बंगाल से है। ओ भाई ए तो कम से कम सेफ्टी बॉक्स तो लेकर आया अपने साथ। तुरंत तुम लोग अपना चालू कर देना अगर कोई भी आएगा तो। ये तुरंग 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 तू अपना ये मत कर भाई, आगे नहीं दिख रहा। अभी तो वैसे भी नहीं दिख रहा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मेरी एक बात सुन, मैं बता रहा हूँ तेरे को, ठीक है? क्योंकि मैं जिधर मेरी मम्मी मम्मी रुक, एक मिनट रुक दोस्तों, आज हमको बता रहे हैं कि भूत से बचना कैसे, चुड़ैल से कैसे बचना है, क्योंकि हम लोग उसी स्टेज में हैं। और हमारे साथ एक दोस्त है जो कि बंगाल से है, जो कि सबसे प्रैक्टिस करता था, तो बताएगा कि आपको इसी से दूर कैसे रहना है और आप किससे कैसे बच सकते हैं। हाँ जी फरमाइए। जब देख लेगा ना तो भागने वागने का नहीं, ठीक है? जब देखा इग्नोर कर चलते रहे बस, सॉर्टेड है। और ये बहुत गंदा एडवाइस था, ये कभी नहीं मानना है। जैसे ही कुछ भाई तुरंत भागो, तुरंत भागो, पहली चीज भागो। मतलब ऐसे जैसे एकदम ओवर रिएक्ट नहीं कर, मतलब जब देख लिया एकदम, मतलब भाई पहली चीज अगर तुमको ऐसा कुछ दिख रहा है तो इसका बात नहीं मानना है। दूसरी चीज तुरंत हनुमान चालीसा लगा दो कहीं से, अगर तुमको याद है वो पढ़ना चालू करो। अबे हनुमान चालीसा के बारे में बताया नहीं बहनचोद। नहीं नहीं भाई मेरे को ये बताओ, अगर एक आदमी भाई पीछे से भाई मशेटी लेकर दौड़ा, बस ऐसे थोड़ा फील कर लो, जय हनुमान ज्ञान गुण सा, बस हो गया, इतना इनफ है। उनकी गांड फट जाएगी भाई। तुम ग्रुप में रहोगे, खड़े रहोगे। अब जंगल यहाँ से खत्म होने को आ गया है, अब हमारी यूनिवर्सिटी थोड़ी थोड़ी दिखने लगी है। तो बात है ना कि वैसे तो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज काफी दिन में देखोगे तो वैसे भरी भरी रहती हैं, पर रात को तुमको एक कुत्ता भी नहीं दिखेगा उधर, इतना सन्नाटा और पीसफुल भाई साहब। ये है जर्मन की यूनिवर्सिटी भाई। अभी क्या वेदर लग रहा है, वेदर क्या लग रहा है, ऐसा कैसे रास्ता है भाई। ये हमारा आ यूनिवर्सिटी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। और यही दिखाना है आपको कि कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत अंधेरा है, बहुत इतना सुनसान जंगल है कि हमें कुछ नहीं पता चल रहा। और भाई मजा आ रहा है, क्या क्यों आ रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन भाई मजा आ रहा है। हम अभी निकले हुए थे अपने डुडवाइलर से और अब इस यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले हैं, और इस बीच में हमने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, हमें ना भूत दिखा ना जानवर, क्या दिखा तो मस्त मस्त भाई। ये देखो एक जानवर है, ये जानवर हम पाल के रखते हैं, हमारा पालतू कुत्ता है। पालतू कुत्ता तो थोड़ा बढ़िया जानवर हो जाएगा, थोड़ा उससे कुछ नीच पता। दोनों मेरे पालतू सुअर है। मुझे क्यों तोड़ा, पापा कैसे बोलेगा। हेलो दोस्तों, अभी हम आ गए हम लोग यूनिवर्सिटी के रास्ते पे, और ये हमारी यूनिवर्सिटी। और भाई यहाँ से क्या प्यारी दिखती है। ये हमारा कैमरामैन जो कि लंड जैसा दिखता है वो बात अलग है, लेकिन कैमरा बढ़िया रखा हुआ है इसने। और हम लोग आप बताएंगे कि आपको यहाँ से रोड कैसे क्रॉस करते हैं जर्मनी में। तो पहले ये रोड दिख रहा है और उसको बस क्रॉस कर जाना है, ऐसे क्रॉस करते हैं। ये रोड दिख रहा है और ऐसे 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 करके क्रॉस जाना है। गुड मार्किंग बीटा और डार्फिस ये सब चीज़ें नहीं बोलनी होती है, ठीक है? दोस्तों आपको दिखाते हैं जादू, जादू कैसे किया जाता है साइकिल के साथ आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे साइकिल है, लेकिन साइकिल का जो चक्का है, यहाँ कैमरा दिखाओ, साइकिल और चक्का है वो गायब, इसको बोलते हैं जादू। यहाँ पे लोग साइकिल छोड़ के चक्का लेके जाते हैं और साइकिल चक्का का सिर्फ साइकिल बना देते हैं। तो यहाँ सिर्फ जादू आपको सिर्फ जर्मनी में देखने को मिलेगा। किसी साइकिल का आप सीट गायब देखिएगा, किसी का चक्का, किसी का ब्रेक, किसी का आगे का साइकिल, किसी का पैंडल, तो ये सब जादू सिर्फ आपको जर्मनी में देखने को मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इंडिया में पूरा साइकिल गायब होती है इवन लॉक के साथ, लेकिन यहाँ आपको लॉक काट के या तो चक्का गायब हो जाएगा, आगे जाकर चक्का गायब हो जाएगा, पैंडल गायब हो जाएगा, हैंडल गायब हो जाएगा, सीट गायब हो जाएगी, ब्रेक गायब हो जाएगी, लेकिन पूरी साइकिल एक साथ कभी नहीं गायब होगी। तो यहाँ यही सब चीज़ें फायदेमंद है कि आपको साइकिल का पार्ट चाहिए तो कोई कहीं से पार्ट से आप खोल के ले जा सकते हैं, आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। लेकिन इंडिया में दिक्कत यह है ना कि पूरी साइकिल गायब होती है, तो आदमी जैसे
दिल पे लगता है, लेकिन यहाँ साइकिल तो है ना, बस चक्का गायब है। क्या बोलोगे, चक्का खुले गया है। ये तुम लोग यहाँ कुछ ब्लू दिख रहा नहीं ना, मतलब मुझे दिख रहा है लेकिन पता नहीं कैमरे में नहीं आ पा रहा। दोस्ती का मजा ये है कि चाहे तुम कहीं भी हो, किसी सिचुएशन में हो, सब कुछ एडवेंचर बन जाता है। जर्मनी आए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ नया कुछ सीख रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर ये मोमेंट्स ही मेमोरीज बनते हैं। बाद में तुमको बस यही चीजें याद रह जाएंगी। जो रियल मेमोरीज होती हैं यही होती हैं, मतलब सिर्फ सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये नहीं है। तुम लाइफ का मजा लेना सीख रहे हो और दोस्ती निभाना। दोस्तों हम लोग इतना देर चलने और दौड़ने के बाद दिल में बस एक ख्याल आता है, क्या मूतना, क्या बोला तूने, बताओ ना हम यूनी, और अब हम जाएंगे मूतेंगे, यूनी में मूतेंगे, और ये सब लोग मूतेगा, यूनी में जाके मूतेंगे भाई, बहुत तगड़ा मूतेंगे, भाई एकदम मूत आ गया, एकदम मूत मारेंगे भाई। और यार देखो मैं तुम लोग कुछ दिखा रहा हूँ, वहाँ पे तुम लोग कुछ ब्लू दिख रहा है भाई, मुझे वहाँ कुछ ब्लू ब्लू दिख रहा है, तुम लोग पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ जो नॉर्दर्न लाइट वाली होती थोड़ी, तो वो इधर कुछ तो हो रहा है। और भाई अब जा रहे हैं यूनी में मूत देंगे, ये लोग भी जाके मूत देगा। ये देखो रात को ऐसे रहता है, क्या हुआ, आवाज यहीं बंद है भाई, आईज बंद है, फिर अब क्या करें, बंद है भाई, क्यों नहीं बंद है अब। मुझे वाशिंग बिकमिंग यूनिवर्सिटी एंबेसडर। सो गाइस आपको दिखाते हैं आपके यहाँ एंबैरेसिंग डिफेंस बिल्डिंग कनेक्शंस, आपको हम दिखाएंगे कि आप कैसे यहाँ एम्बेसडर बन सकते हैं। हमें झांट नहीं पता है, हम कैसे बता देंगे, बिकम अ डाइवर्सिटी एम्बेसडर, मतलब कि करिया गोरा भूरा नाला पीला लहसुन सब सबको एक में कम्युनिटी कैसे बनाना है, ये हम आपको सिखाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ सायरलैंड में कैसी कैसी पढ़ाई होती है। यहाँ पे आपको हर तरीके के कोर्सेज मिल जाएंगे, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बिग डेटा एनालिसिस, क्वांटम कम्युनिकेशन, नौटंकी करने के, ड्रामा करने के, सन यूनिवर्सिटी आज बनाना चाहते हैं, आप सब कुछ बता पाएंगे। यहाँ आइए और अपने जीवन को एक्सप्लोर करिए, आप अपना यहाँ सीख पाएंगे कि आपको कैसे बोला जाता है, और हम आपको यहाँ बहुत तरीके बहुत अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि आप अपने आप को यहाँ और अपने आप को और बेटर कैसे बना सकते हैं, और अपने फ्यूचर के तरफ अपने एक नेक्स्ट कदम बढ़ाइए। हाँ भाई एकदम सही बात बोल रहा है आदमी, एकदम सही बात बोल रहा है। क्या कर रहा है खुद भोसड़ी वाले? तो मैं अभी कर रहा हूँ डॉयच कोर्स, और डॉयच कोर्स में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता है वो जर्मन कैसे बोलनी है, जर्मन लोगों से बात करनी कैसे करनी है, और फॉरेनर से कैसे बात करनी है। आप क्या कर रहे हो? ये गाइस ये भी कोर्स करा रहे थे यहाँ पे भाई, पांच तो मारूंगा कम से कम। दोस्तों आप यहाँ की यूनिवर्सिटी में आपको बताया जाएगा कि आप कैसे धरती से जुड़ सकते हैं, इससे जुड़ना कैसे है आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे आइए और आप सीखिए कि यहाँ धरती से कैसे जुड़ते हैं, कैसे ग्राउंड टू अर्थ होते हैं, और नेचर को अपने डेवलप कैसे किया जाता है। भाई वो सब छोड़ो भाई, रेंट नहीं दिया गया इस महीने का। अरे यार बहन जी मैं क्या बताऊँ, इस बार वो हो गया था कांड वांड थोड़ा, तो मेरे मकान मालिक ने बोल दिया कि भाग जाओ यहाँ से, मैंने बोला भाग जाऊंगा, उसने बोला फिर जमीन पे लेटा है बेचारा। और भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, थोड़ा सर्दी में दिक्कत होता है, कपड़े ले आए इतना क्यों, खरीद के पहन लेते हैं और क्या, बाकी चिल है भाई अपना लाइफ, बाकी भाई चिल है भाई। तुम मुझे ये बताओ तुम मेरे से प्यार करती हो कि नहीं? बाबू तुम मुझे ये बताओ तुम मेरे से प्यार करती हो कि नहीं, ये बताओ तुम मुझे। नहीं बाबू तुम मुझे मेरे से प्यार करती हो कि नहीं, तुम आज ये कंफर्म कर दो, आज मेरे को कंफर्म कर दो मेरे से प्यार करती हो कि नहीं। भाई क्या हो गया भाई, बीच सड़क पे क्यों लेटे हो यार? मेरी बाबू मेरे से प्यार करती है कि नहीं मेरे को ये जानना है, मेरे बाबू मेरे से प्यार करती है कि नहीं, मेरी बाबू कब से मेरे को परेशान करके रखे हुए, मेरे बाबू मेरे बता नहीं रही कि प्यार करती है कि नहीं। बाबू तुम आज बता दो, आज हम दूध का पानी पानी का दूध कर देंगे पूरी सड़क पे, और कोई आदमी नहीं है। प्यार करती है कि नहीं मेरे को पूछना है इससे, मेरे बाबू से पूछो जरा मेरे प्यार करती है कि नहीं है मेरे बाबू। हाँ भाई बाबू, अरे तू क्यों बाबू बोल रहा है, तू क्यों बाबू बोल रहा है मेरी बात, 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो ये हमारे यूनिवर्सिटी का है प्रचार करने वाला, वो अगर तुमको भी यहाँ प्रचार करना है तो आके अपना चिपका दो, जो तुमको करना है इधर आके चिपकाओ, जो करना है। तेरे हम बदनाम कर दिया मुझे अब का गुलाम चोद। दोस्तों
ये थी हमारी एक छोटी सी नाइट की स्टोरी, और ये सिर्फ पता है ये पूरे कंटेंट का आई गेस 30-40% होगा। बाकी भाई बिलीव मी, तुम यहाँ आओगे और तुम यहाँ आने की बात नहीं है, तुम बस दोस्तों के साथ अनप्लान्ड जर्नी पे निकलो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। अगर तुम कुछ पहले से प्लान कर लेते हो ना तो उसमें वो फ़न नहीं होता जिसमें जितना फ़न तुम कुछ अनप्लान्ड जर्नी में करो। हाँ थोड़े लग भी सकते हैं लेकिन यार रिस्क तो चलता है ना भाई। थोड़ा एक होता है कि तो दोस्तों के साथ, देखो हमारे साथ लड़कों के साथ यही है कि अगर हम जहाँ पहुँच गए वहीं घूम लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको वहीं जाना है वहीं घूमेंगे ना, हम जहाँ पहुँचेंगे वहीं घूमेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर तुम भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो इंडिया से, फिर अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे हो, तो यार एक बात हमेशा याद रखना कि सिर्फ तुम पढ़ने नहीं जा रहे हो, तुम खुद को एक्सप्लोर करने जा रहे हो। और एकदम ओपन माइंड होके जाना कि मतलब सब कुछ तुमको देखने को मिलेगा। तुमको बहुत इधर स्ट्रगल भी करना पड़ेगा लेकिन एवरी पेनी वर्थ इट है। बोला जाता है ना कि मतलब भाई जिंदगी तुम जीना सीख जाओगे। तुमको इधर रोना भी पड़ सकता है और मतलब स्ट्रगल्स भी हैं काफ़ी, पर सब कुछ वर्थ इट है। बस इसी नोट के साथ मैं करता हूँ वीडियो ख़त्म। और कैसा लगा वीडियो और ये बताना, और क्या कुछ बताओ फिर, और क्या चल रहा है। बस आज के वीडियो में यही था, और इसमें बहुत कुछ और भी है मैं डाल सकता हूँ, पर वो उसमें वो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि तुम लोग बोर हो जाओगे फिर, वो समझ रहे हो वॉच टाइम वगैरह कम हो जाता है नौटंकी। तो बस थैंक यू देखने के लिए, और अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट कर देना। और ये मेरा ये एक नया तरीका था बताने का, ये कैसा लगा ये बताओ। अगर ये अच्छा लग रहा है तो मैं ट्राई करूँगा कि इसी को थोड़ा और इम्प्रूव करूँ, और बाद में इसी को और इम्प्रूव करके डालूँ। बाकी कुछ सजेशन हो तो बताओ, और हाँ बस थैंक यू सो मच, बाय। सब्सक्राइब लाइक वगैरह तो कर ही दोगे तुम, पता है। चलो बाय, थैंक यू सो मच।